Nada, es como bien. चलो लेट्स स्टार्ट। आई क्वेश्चन वन रीड करो। एन इंश्योरेंस कंपनी हैज एस्टिमेटेड द इंडिपेंडेंट प्रोबेबिलिटीज ऑफ टू डेक्रीमेंट्स, इल हेल्थ और डेथ है। ट्रांजिशंस कैन अकर आउट ऑफ द हेल्दी स्टेट इनटू टू अब्सॉर्बिंग। अब्सॉर्बिंग का मतलब क्या होता है? अब उससे बाहर आप नहीं, मतलब बेसिकली डेथ में तो चलो समझ में आ रहे हैं, बट इल हेल्थ के बाद भी हेल्दी नहीं जा सकते। फोर्सेस ऑफ डेक्रीमेंट आर अज्यूम टू बी इंडिपेंडेंट एंड कॉन्स्टेंट ओवर ईच ईयर। कंस्ट्रक्ट अ डबल डेक्रीमेंट टेबल यूजिंग द टेम्पलेट प्रोवाइडर फॉर इंटीजर एजेस 50 to 110, रेडिक्स ऑफ ए एल 50 as 1 lakh। तो देखो ये हम लोग को गिवन है, बेस वर्कशीट, इसमें हम लोगों को QXD, QXI गिवन है। इसको यूज करके हम लोग प्रोबेबिलिटीज कैलकुलेट करेंगे। इजी क्वेश्चन है ये वाला, हम लोग कर सकते हैं खुद से। हम लोग मल्टीपल डिक्रीमेंट्स बहुत बार कर चुके हैं। मोर्टैलिटी रेट दिया हुआ है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इल हेल्थ दिया हुआ है, तो अब क्या निकालेंगे? फोर्स ऑफ मोर्टैलिटी निकालो, पहले निकालो म्यू एक्स, खाली म्यू एक्स, सिंपल म्यू एक्स, मतलब इंडिपेंडेंट फोर्स ऑफ मोर्टैलिटी, म्यू एक्स डी बोल दो। या तो कैसे निकलेगा म्यू एक्स डी? माइनस एल एन 1 माइनस क्यू एक्स, ठीक है, ये हो जाएगा म्यू एक्स डी। सिमिलरली क्या म्यू एक्स आई विच इज, इसको नीचे ले आओ, ठीक है, चलो डिपेंडेंट बोलो क्या होगा, बेसिकली ए क्यू एक्स डी एंड ए क्यू एक्स आई। हाँ कहाँ दिया हुआ है? अच्छा लिखा है क्या इन लोग? अच्छा ए डी है, हाँ वही, क्या भूलेंगे ना की थी। बोलो कैसे निकलेगा? बाप रे बहुत ज्यादा वो हो रहा है। म्यू एक्स डी बाय म्यू एक्स डी प्लस म्यू एक्स आई इंटू बेसिकली इंटू 1 माइनस ई टू दीपा, दोनों का लेना होगा, तो माइनस दिस प्लस दिस, देख लो यहाँ पे एक माइनस, यहाँ पे एक ब्रैकेट दो वरना एरर आएगा। बहुत ज्यादा रो रही है ना बिल्ली। इसमें एब्सोल्यूट कर सकते हैं अपने इन दोनों को, जस्ट द रो, जस्ट द कॉलम, सॉरी ये तो गलत हो जाएगा, ठीक है, यू ड्रैग इट राइट and you drag down, ये हो गया। अब इसके बेसिस पे हम लोगों को पूरा टेबल कंप्लीट करना है। LX इन्होंने 1 lakh ऑलरेडी ले लिया, तो ADX डेथ कैसे निकालेंगे? दिस इंटू दिस, ये हो जाएगा दिस इंटू दिस, और ये वाला वैल्यू हो जाएगा, ये वाला वैल्यू माइनस माइनस, इसको ड्रैग कर दो नीचे, ड्रैग कर दो नीचे,
चेक करो आंसर्स। सेकेंड पार्ट बोल रहे हैं इवैल्यूएट नहीं करते रहना, इवैल्यूएट द प्रोबेबिलिटी दैट अ हेल्दी लाइफ एज्ड 65 एग्जैक्ट विल लीव द पॉपुलेशन बाय इल हेल्थ और डेथ बिफोर द 71st बर्थडे। अभी 65 इयर्स का है एंड 71 के पहले वॉट एवर द रीजन वो बाहर हो जाएगा, तो मतलब या तो मर जाएगा या तो इसमें पार्ट टू करने बोला है। सो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा बताना, बहुत सिंपल है। तुम लोग उसको कॉम्प्लिकेट कर दोगे, मेरे को पता है ना। इतना क्यों? सिंपली हम लोग 65 है ना, 65 से तो हम लोग सिंपली ये नहीं ले सकते AL71 by AL65 इस प्रोबेबिलिटी जिंदा रहने का, वन माइनस कर दो तो प्रोबेबिलिटी मरने का हो जाएगा, है ना। वन माइनस AL71 डिवाइडेड बाय AL65 है ना। हाँ 65 है ना। एक सेकेंड रुको, हाँ क्या बोल रही हो? गलत है देखो ना, कि नहीं ये तो सही है बट मेरा प्रोबेबिलिटी मैच नहीं हो रहा है। मेरा मेरे को भी वही लग रहा है। कुछ गड़बड़ है, रुको। ओ मैंने इन दोनों को ऐड कर दिया है क्या? नहीं मैंने प्रोबेबिलिटी ये दोनों ले लिया है। अरे यार इसीलिए मिस्टेक हो गया ना। ठीक है आंसर आया इसका। नेक्स्ट पार्ट थोड़ा बड़ा है। द इंश्योरेंस कंपनी ऑफर्स अ टेम्पररी अश्योरेंस पॉलिसी टू अ हेल्दी लाइफ एज 52। डिटेल्स इज गिवन इन द बेस वर्कशीट, तो एक बार डिटेल्स देख लेते हैं। पॉलिसी और 20 इयर्स है। इल हेल्थ अगर हो जाता है एंड अ लेवल इनकम ऑफ 50% ऑफ द सैलरी पेबल एनुअली इन एडवांस फॉर अ फिक्स टर्म ऑफ 5 इयर्स ऑन एन एन्युइटी सर्टन। तो ये एन्युइटी सर्टन है बेसिकली 5 साल का अलमसम ऑफ 4 टाइम्स द सैलरी। ऑल बेनिफिट्स बिकम पेबल एट द एंड ऑफ द ईयर that the decrement occurs and are based on the policy holder's salary at all the benefits become payable at the end of the year, jis saal mein decrement ho raha hai,
एंड आर बेस्ड ऑन द पॉलिसी होल्डर सैलरी एट दैट टाइम. जो भी उसका सैलरी था उस समय उसका 5 टाइम्स मिलेगा, उसका 4% मिलेगा, 4 टाइम्स मिलेगा, उसका 50% मिलेगा, वट एवर. नेक्स्ट इज प्रीमियम पेबल एनुअली इन एडवांस ड्यूरिंग द पॉलिसी टर्म और अंटिल द डेक्रीमेंट अकर्स. जब तक वो हेल्दी स्टेट में है तब तक वो प्रीमियम देगा. प्रीमियम्स इंक्रीज इन लाइन विथ द सैलरी. इनिशियल कमीशन रिन्यूअल एक्सपेंसेस सब दिया हुआ है. क्लेम एक्सपेंस या कोई भी नन है. उसके बाद बोला है 52 इयर्स का है. सैलरी दिया हुआ है 45,000 स्टार्ट में एंड दिस इंक्रीजेस 3% पर एनम अकरिंग ऑन द एंट्री डेट एंड इंटरेस्ट रेट्स दिया हुआ है. और ये सबको निकालने क्या बोला है, प्रीमियम ऑफ द पॉलिसी एज अ परसेंटेज ऑफ सैलरी निकालने बोला है. ये सैलरी क्या है, ईयरली कि एनुअल मंथली ऐसा कुछ लिखा है क्या, देखो तो. ईयरली मानेंगे फिर तो, ईयरली मानेंगे. मंथली तो बहुत ज्यादा हो जाएगा. पूरा खाली है वर्कशीट, हम लोग को फ्रॉम स्क्रैच बनाना है. सो वी विल स्टार्ट, एज से स्टार्ट करो. ठीक है चलो टाइम बना लो पहले. कितने साल का है, 20. सो योर 1 2 सेकेंड, ये जाएगा आपका 20 साल तक. एज कितना से, ठीक है लास्ट एज क्या होना चाहिए, 71. ठीक है इसके बाद इसके कॉरेस्पॉन्डिंग हम लोग प्रोबेबिलिटीज अगर लेना है, क्योंकि वहां पे आपका एज कुछ और स्टार्ट है तो कंफ्यूजन ना हो इसीलिए हम लोग को वी लुकअप कर लेना चाहिए. तो क्या क्या लेना चाहिए, आई थिंक एक सेकेंड, हम लोग आई थिंक ये दोनों खाली लेंगे तो चलेगा. प्रोबेबिलिटीज खाली चाहिए होता है ना, तो ये और ये ले लो वी लुकअप यूज करके. या फिर अगर वी लुकअप नहीं भी यूज करना, फॉर एग्जाम्पल यू कैन जस्ट गो एंड सिलेक्ट दिस 52 वाला एंड टेक आउट दिस. आई एम नॉट यूजिंग वी लुकअप, नॉट रिक्वायर्ड. ये हो गया. क्यों क्या इन्होंने ऐसा, पता नहीं. अच्छा ठीक है छोड़ो. नेक्स्ट सैलरी, फर्स्ट सैलरी क्या है, 45,000 है एंड दिस इज इंक्रीजिंग बाय 3%. इधर से ले नहीं पाएंगे. एक बार मैं इसको सिलेक्ट करी हूं, इधर पे मैं लिख दूंगी 3%. 3% ही है ना, ओहो नेक्स्ट सैलरी के बाद क्या करना है. अब पूरा वो प्रॉफिट टेस्टिंग जैसा बना लेते हैं, प्रीमियम एक्सपेंस इनकम ये सब बना लेते हैं. और क्या,
प्रॉफिट टेस्टिंग टेबल ही तो बनाना है पूरा। तो नेक्स्ट बोलो प्रीमियम। प्रीमियम कितना है निकालना पड़ेगा। तो ऊपर में लेट मी ऐड ऑन। यूजिंग गोल सीक कर लेंगे अपने। ओके एक बार 4,000 ले लो। ठीक है। प्रीमियम इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है क्या? कैसे इंक्रीज हो रहा है? क्या बोले क्वेश्चन में? इन लाइन विद द सैलरी। तो जैसे जैसे आपका सैलरी भर है वैसे वैसे आपको प्रीमियम भी बढ़ाना है। तो कैसे, कितने से बढ़ेगा? 3%। ठीक है। प्रीमियम के बाद एक्सपेंसेस साथ में लिख लो, कमीशन साथ में ही लिख लो ना, अलग अलग क्यों लिखना है? कमीशन बोलो 30% ऑफ। ठीक है। नेक्स्ट आई कमीशन बोलो। नेक्स्ट रिन्यूअल। कमीशन के बाद एक्सपेंस बोलो। ठीक है। 100 एवरी ईयर। ठीक है। अब इंटरेस्ट। कितना परसेंट है? फोर पॉइंट टू फाइव। इसमें ठीक ये एब्सोल्यूट होगा। ठीक नेक्स्ट। ईडीसी एक्सपेक्टेड डेथ कॉस्ट कितना होगा? डेथ कॉस्ट एक्सपेक्टेड इल हेल्थ कॉस्ट। बोलो कितना है अमाउंट डेट कॉस्ट का? लमसम ऑफ 4%, 4 टाइम्स ऑफ सैलरी। तो 4 इंटू सैलरी इंटू। ठीक है।
ये बोलो। फिफ्टी परसेंट ऑफ सोचो क्या होगा। सैलरी है तो एनुइटी है तो मेरे हिसाब से 1 माइनस और एनुइटी को फाइव करने वाली इनकी प्रेजेंस जितना भी 5 साल तक सर्टेन है और उसके बाद जिंदा रहेगा तो मिलेगा। तो मेरे हिसाब से एटी वाला फैक्टर नहीं मल्टीप्लाई हाँ नहीं सर्टेन पर 5 साल के लिए है। बोल रहा है क्वेश्चन इधर नहीं, बोल रहा है कि पेबल एनुअली इन एडवांस फॉर अ फिक्स टर्म ऑफ 5 ईयर्स एंड एनुइटी सर्टेन। इसका मतलब कि जैसे ही वो बीमार पड़ा, जैसे ही वो बीमार पड़ा उस टाइम से आपको 5 साल तक मिलेगा। हाँ खाली 5 साल मिलेगा बस, उसमें और कुछ नहीं बोला है। तो 50% ऑफ सैलरी इंटू प्रोबेबिलिटी कि उससे और हेल्थ हुआ इंटू एन्युइटी फैक्टर। ठीक है तो एन्युइटी फैक्टर कैसे निकालेंगे बोलो। एन्युइटी फैक्टर कैसे निकलेगा? वन प्लस आई, आई कितना दिया हुआ है? 4.25 टू दी पावर -5 बाय डी, क्योंकि एनुअली इन एडवांस है। को भी ब्रैकेट में ले लो। सो बेसिकली ए ड्यू 5 निकाल रहे हैं एट 4.25, दैट्स इट। तो यहाँ हम लोग, अच्छा वो जो नहीं रख रहे कि पहला साल जिंदा था दूसरा साल से स्टार्ट हो रहे, क्योंकि वो प्रॉफिट सिग्नेचर में आएगा। ठीक है तो सैलरी इंटू कितना परसेंट है? 50% इंटू ये वाला एब्सोल्यूट इंटू उस साल बीमार पड़ने का, देख लो। ठीक है फिर कैश फ्लोज निकाल लेंगे, विच इज व्हाट? प्रीमियम माइनस कमीशन माइनस एक्सपेंस प्लस इंटरेस्ट माइनस ईडीसी माइनस इल हेल्थ। एसी से आवाज आ रहा है। ठीक है मैं कैश फ्लोज, अच्छा मैच नहीं होगा ऐसे भी छोड़ो। दूसरा फिर उसके पहले प्रोबेबिलिटी निकालना पड़ेगा ना ऑफ स्टेइंग इन फोर्स इन स्टार्ट, वो तो इसी से डायरेक्टली निकल जाएगा। पहला क्या होगा? पहला 1 होगा, दूसरा दिस इनटू 1 माइनस माइनस नहीं ऊपर वाला, ये वाला क्यों होगा? 52 करोगी ना? ठीक
उसके बाद प्रॉफिट सिग्नेचर, आई एम जस्ट राइटिंग पीएस, तुम लोग पूरा पूरा लिख देना। कैश फ्लो इनटू दिस, अच्छा हाँ ठीक है, एनपीवी अलग से नहीं। डिस्काउंटिंग फैक्टर, डिस्काउंट फैक्टर निकाले थे क्या? नहीं, 1 प्लस आई एप्स दिया हुआ है, दिया हुआ नहीं है इस क्वेश्चन में। टू दी पार माइनस टाइम, एनपीवी ये हो गया टोटल एनपीवी। टोटल प्रीमियम निकाल लो, टोटल प्रीमियम क्या बोल रही हो? इक्विवेलेंस प्रिंसिपल बोला है ना, एंड देन दोनों को जीरो करना है ना। एनपीवी हाँ, करेक्ट, क्योंकि एनपीवी में हम लोग प्रीमियम ऑलरेडी ले लिए, तो इसको जीरो करना पड़ेगा। डेटा व्हाट इफ गोल सीक, इसको जीरो बाय चेंजिंग, क्या आया? ये आया क्या? 3-2, बट क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ है। क्वेश्चन में एक चीज लिखा है, देखो, प्रीमियम एक्सप्रेस एज अ परसेंटेज ऑफ सैलरी निकालना है हम लोग को। तो एक बार जब प्रीमियम आ गया, प्रीमियम एज अ परसेंटेज ऑफ सैलरी सेम होगा, क्योंकि एवरी ईयर तुम्हारा दोनों 3% से बढ़ा है। प्रीमियम बाय सैलरी देख लो ना करके, प्रीमियम डिवाइडेड बाय, उसको परसेंट में चेंज करो, देखो हर साल 7.3 आ रहा है। ठीक है, क्यों ऐसा तुम लोग लिख देना, पर डिराइव्ड यूजिंग गोल सीक, और गोल सीक पूरा लिखोगे कैसे, एंड प्रीमियम एज अ परसेंटेज ऑफ सैलरी भी यहाँ पे लिख देना, दिस डिवाइडेड बाय इनिशियल। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, चलो लास्ट। द फाइनेंस डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी हैज बीन प्रेजेंटेड विथ टू प्रोजेक्ट्स। प्रोजेक्ट ए स्ट्रीमलाइंस फाइनेंशियल प्रोसेसेस। फर्दर डिटेल्स इज गिवन इन द वर्कशीट। Project B is the development of the new finance administration system. Details given here again. Finance director wants to implement one of the two projects and asked for your recommendation. The company has a policy of using ये हम लोग को दिया हुआ है effective rate of return. Determine NPV for each project. तो आओ प्रोजेक्ट अप्रेजल का सम। प्रोजेक्ट ए के बारे में गिवन है, कुछ नहीं बनाया हुआ, देख लो कुछ नहीं बनाया हुआ, सब बनाना पड़ेगा तुम लोगों को। ठीक है, ऑब्जेक्टिव गिवन है स्ट्रीमलाइन फाइनेंस प्रोसेसेस रिजल्टिंग इन कॉस्ट बेनिफिट्स थ्रू अ रिडक्शन इन द फाइनेंस स्टाफ। दिस इज अ 10 ईयर प्रोजेक्ट विथ कॉस्ट एंड सेविंग्स कंसिडर्ड ओवर अ 10 ईयर पीरियड। उसके बाद बोले इन ईयर वन ये आपका कॉस्ट दिया हुआ है, सेविंग्स दिया हुआ है, कैश फ्लो अगर हाफ वे थ्रू द ईयर दिया हुआ है और सब कुछ दिया हुआ है। देखो स्टार्ट करते हुए बनाना, फिर एक एक करके रीड कर लेंगे जब कैश फ्लोज आएंगे। तो सबसे पहले प्रोजेक्ट ए, पहले ईयर से स्टार्ट करूं। ठीक है, कितना ईयर का पहला प्रोजेक्ट और दूसरा? तो 15 तक तो बनाना ही पड़ेगा क्योंकि दोनों सेम शीट में बनाना है हम लोग को। ठीक है, डिस्काउंट आई थिंक डिस्काउंट फैक्टर दोनों का सेम ही होगा क्योंकि वो रिटर्न दिया हुआ है ना। क्या है डिस्काउंट फैक्टर? अच्छा हाँ करेक्ट। तो कितना परसेंट है डिस्काउंट फैक्टर? इधर नहीं लिखा हुआ है ना, कितना परसेंट बोला है क्वेश्चन पेपर में देख के बताओ। अच्छा सिक्स परसेंट, 0.06 टू दी पार हाफ वे थ्रू द ईयर है तो माइनस हो गया दिस। ठीक है, नेक्स्ट बोलो कॉस्ट। प्रोजेक्ट ए से स्टार्ट करते हैं। प्रोजेक्ट ए का पहला कॉस्ट क्या है? नाम है क्या? अरे नाम क्या है कॉस्ट का? इनिशियल कॉस्ट, सेटअप। इनिशियल कॉस्ट कितना? फिर मेंटेनेंस है ना, फिर तो कितना?
कितना कितना? ये फिक्स्ड है कहां तक? 10 तक। अब से आई एब्सोल्यूट नहीं किया इसको। उसके बाद तुम लोगों को करने का जरूरत नहीं है, मेरे को थोड़ा प्रॉब्लम है ये सब चीज का। हाँ फिर अब सेविंग्स कितना है? पहला बोले फ्रॉम सेकेंड ईयर ऑनवर्ड्स जो भी ये एज अ इनकम कंसिडर होगा, क्योंकि तुम्हारा कॉस्ट कटिंग का प्रोजेक्ट है। फिनेंश जो स्टाफ है स्ट्रीमलाइन कर रहे हैं अपने प्रोसेस को, स्टाफ को हटा रहे हैं, तो जो स्टाफ हटेगा उसका सैलरी सेव होगा ना, एंड इनिशियली ये कॉस्ट लग रहा है, वो चीज है पूरा। समझो ये जो ऑब्जेक्टिव है उसको रीड करो। 1 लाख पर एनम ऑफ स्टाफ सेविंग रियलाइज्ड ईच ईयर गोइंग फॉरवर्ड, दीज सेविंग्स इंक्रीज बाय 0.5% ईच ईयर थ्रू कॉन्ट्रेक्चुअल स्टाफ सैलरी इंक्रीजेस स्टार्टिंग फ्रॉम ईयर 3। तो ये अपना सेविंग्स इंक्रीज होगा बेसिकली। तो स्टाफ सेविंग्स लिख दें, सेकेंड ईयर ऑनवर्ड्स है, कितना है? 1 लाख। इसको एब्सोल्यूट करो इनटू 1 प्लस टू दी पार 2 माइनस 2। टू माइनस टू थर्ड ईयर से इंक्रीज हो रहा है, पर क्या गड़बड़ हो गया, मैंने एब्सोल्यूट नहीं किया इसको। सुनो तुम लोग को इनपुट शीट दिया हुआ है तो इनपुट शीट से लिखना होगा, तुम लोग ऐसे मैन्युअली हाथ से मत लिख देना। हाँ तो थर्ड ईयर से इंक्रीज हुआ, यहाँ 2 माइनस 2 किया मैंने फर्स्ट वाले में। स्टाफ सेविंग के बाद क्या है? हाँ स्टाफ सेविंग के बाद क्या है? देखो एडिशनल स्टाफ सेविंग्स है, कितना इजी सम क्यों दिया है? कोई अगर सेकंड करने बैठ गया होगा, पहली बात तो वो रोया होगा पहले, ऐसा नहीं है, कुछ कुछ स्टूडेंट स्मार्ट होते हैं, हम लोग नहीं है तो हम लोग क्या बोले बताओ, वी आर नॉट इन दैट स्मार्ट स्टूडेंट्स कैटेगरी। देवान सोच रहे हम तो बिल्कुल भी नहीं है स्मार्ट, मेरा क्या होगा पता नहीं। उसका मेरा उस वो जो सोच रहे वो आ गया मैं यहां तक। पर लेम जोक मारी हो ना तुम, ये क्या हुआ भाई, माइनस कर दिए बताओ। तुम लोग का बात सुन सुन के ना, इसके बाद इन लोग क्या किया है, इन लोग सबका इंडिविजुअली पीवी क्यों निकाला है आंसर में? इश ठीक है, बट फिर भी देखो क्वेश्चन में बोला है कि मिडवे कैश फ्लोज अकर थ्रू द ईयर, हाफ वे थ्रू द ईयर तो सभी है ना? कौन सा बोलो तुम? तुम लोग गलत करा दिया मेरा। हाँ पता है मेरे को, क्योंकि वो सेल चेंज हो गया होगा ना। ये क्या होगा? डी बताओ नोट शीट में। और ये
वन प्लस एफ इलेवन फिर ए सिक्स माइनस ए सिक्स होगा ना, ठीक है। साथ में निकालें अगर पीवी, इनिशियल कॉस्ट माइनस होगा, माइनस प्लस प्लस इसको डालेंगे ना, इसको डालेंगे ना। ठीक है, पूरा प्रोजेक्ट ए हो गया। इसका टोटल निकाल लो नीचे। ठीक मैच करो, सेम डू फॉर बी। प्रोजेक्ट बी में बोला है द डेवलपमेंट बाय आईटी एक्सपर्ट विद इन द बिजनेस ऑफ अ न्यू फाइनेंस एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम। दिस इज अ 15 ईयर विद कॉस्ट एंड सेविंग्स कंसिडर्ड ओवर 15 ईयर। करेंटली कंपनी यूजेस अ फाइनेंस एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम प्रोवाइडेड बाय अ थर्ड पार्टी प्रोवाइडर। द कंपनी पेज एन एनुअल फी ऑफ दिस मच टू द थर्ड पार्टी फॉर द यूज ऑफ मेंटेनेंस। तो ये हम लोग को एनुअल फी देना है। द एनुअल पेमेंट ऑफ द एक्सटर्नल प्रोवाइडर इंक्रीजेस बाय 2% कंपाउंड ईच ईयर एंड द नेक्स्ट इंक्रीज इन ड्यू इज 1 ईयर टाइम। द प्रोजेक्ट विल इनेबल दिस टू बी स्विच्ड ऑफ एट द एंड ऑफ 2 ईयर्स। द कंपनी विल देन सेव द इंक्रीजिंग एनुअल फी दैट कैन बी एक्सपेक्टेड टू बी पेड ओवर रिमेनिंग 13 ईयर्स। ये कॉस्ट दिए हुए हैं। सेविंग समझ में आया तुम लोगों क्या लिखा है इन लोग? हाँ दो साल बाद स्टार्ट होगा। यस रूम टू में बैठो। हाँ द प्रोजेक्ट विल इनेबल दिस एक्सटर्नल सिस्टम टू बी स्विच्ड ऑफ। ठीक है, उसके नीचे क्या लिखा है? द कंपनी विल देन सेव द इंक्रीजिंग एनुअल फी दैट वाज एक्सपेक्टेड टू बी पेड ओवर द नेक्स्ट 15 ईयर्स टोटल। ये जो कॉस्ट है ये पे कर रहे हो, ये वाला? हाँ ये वाला कॉस्ट पे कर रहे हो कि नहीं? ये जो कॉस्ट हम पे कर रहे हैं ये कॉस्ट हमारा ईयर 3 से सेव होगा, वो बोला है क्वेश्चन में। समझ में आया कि नहीं? चलो स्टार्ट। सो वी विल स्टार्ट। तो बेसिकली पहला 2 साल जो हम लोग का कॉस्ट लग रहा है वो अभी हम लोग नहीं लिखते, एक बार लिख देते हैं। चलो प्रोजेक्ट कॉस्ट से स्टार्ट करो ना, प्रोजेक्ट कॉस्ट। बट प्रोजेक्ट कॉस्ट ये है 1 ईयर एंड 2 ईयर्स वाला। हाँ मतलब वही आईटी कॉस्ट, ये और ये। पहले सेविंग्स कर लेते हैं तो आई थिंक बेटर रहेगा। इसको मैं इधर लिख दे रही हूँ। सेविंग्स करो पहले। चलो सेविंग्स फ्रॉम एक्सटर्नल एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम लिखो। सेविंग्स फ्रॉम एक्सटर्नल एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम विच इज फ्रॉम थर्ड ईयर ऑनवर्ड्स विच इज हाउ मच? ये जो है ये जो पार्ट है ना, ये पार्ट, ये हमारा कॉस्ट नहीं है। ये बोल रहा है कि इतना एनुअल फी अभी तक हम लोग दे रहे थे एक्सटर्नल डिपार्टमेंट को, बट अब जब हमने इम्प्लीमेंट कर दिया उसके बाद ये सेव हो जाएगा, ये नहीं देना पड़ेगा। पूरा रीड करो। करेंटली द कंपनी यूजेस अ फाइनेंशियल सिस्टम विच इज प्रोवाइडेड बाय थर्ड पार्टी, उसमें हम लोग का इतना लगता है, करंट इतना फीस है और ये 2% से इंक्रीज होगा।
अब बोल रहा है जब हम लोग ये वाला इम्प्लीमेंट कर लेंगे, खुद का हम लोग बना लेंगे फाइनेंशियल सिस्टम, तो उसके बाद हम लोग का ये सेविंग्स आ जाएगा, क्योंकि पहला 2 साल कॉस्ट लगा आपका सेटअप करने में, और थर्ड ईयर से आपका ये, हाँ ये नहीं, ये जो 2,55,000 है ये अभी इस साल का है, अगले साल ये 2% से बढ़ेगा, फिर 2% से बढ़ेगा, ये तुम्हारा सेविंग है, ये बच जाएगा, पूरा सेव हो रहा है, तुमको देना ही नहीं है ना, तुम इनहाउस बना रही हो तो तुम एक्सटर्नल को क्यों दोगी, नहीं समझा? तो इसमें समझो ये वाला में क्या होगा, दिस इसको देखो इनटू 1+ ये किया, इसको एब्सोल्यूट किया, 2D पार क्या करेंगे बताओ, 1 या 2? टू टू से करेंगे, टू से करेंगे, ठीक है? क्योंकि यहां पे वो 2,55,000 है, यहाँ 2,55,000 2% से इंक्रीज हुआ, फिर यहां वापस इंक्रीज हुआ, 2 इंक्रीज हुआ ना, वो तुम सेव कर रहे हो 15 साल के लिए, समझा? ठीक है, और नेक्स्ट है मेंटेनेंस कॉस्ट। मेंटेनेंस कॉस्ट कितना है थर्ड ईयर से? 1 लाख फिक्स्ड, नहीं तो योर 2 ऑनवर्ड्स है ना, पर ठीक है, हो गया। अब प्रॉफिट निकाल लूं, एनपीवी सेविंग्स माइनस कॉस्ट, कब अकर हो रहा है ये सब? ये भी हाफ से क्या? हाफ से है, हाँ, ऑल कैश फ्लोज तो अजम्पशन। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं, एक्सप्लेन विच प्रोजेक्ट विल यू रेकमेंड, विच प्रोजेक्ट विल यू रेकमेंड, किसमें एनपीवी ज्यादा आ रहे हैं? वी विल रेकमेंड, तुम लोग खाली जाओगे इधर इधर एक लाइन टाइप करोगे, वी विल रेकमेंड प्रोजेक्ट ए सिंस द एनपीवी ऑफ प्रोजेक्ट इज हायर देन प्रोजेक्ट बी, 2 मार्क्स। डिस्पाइट योर रिकमेंडेशन दे इम्प्लीमेंट द अदर प्रोजेक्ट, सजेस्ट रीजंस ऑफ द डिसीजन, 6 मार्क्स का है। क्या होगा? एनपीवी क्राइटेरिया खाली चूज करा है हमने, और उस बेसिस पे हमने प्रोजेक्ट ए, ठीक है, तो ये बोल सकते हैं कि प्रोजेक्ट ए का जो इनिशियल कॉस्ट है वो बहुत ज्यादा है, तो उस 15 लाख्स के विच में नॉट बी विच द कंपनी में नॉट बी एबल टू रेज, वेर एज प्रोजेक्ट बी का सेविंग्स काफी स्मॉल है, बी का सेविंग्स ज्यादा है कंपेयर टू ए का सेविंग्स, ठीक है? नेक्स्ट, नहीं तुम क्या बोले, एडिशनल स्टाफ सेविंग्स को कौन कंसिडर करेगा, वो नहीं पॉइंट वैलिड हुआ। इनिशियल कॉस्ट वाला ठीक है कि इनिशियल कॉस्ट इज वेरी हाई, ऑलमोस्ट 5 टाइम्स बोल सकते हो फर्स्ट ईयर में, तो नहीं सॉरी 3 टाइम्स, एंड दैट इज द रीजन प्रोजेक्ट बी करेंगे, इतना हमें भी फाइनेंस नहीं मिल रहा। एनपीवी में भी डिफरेंस उतना ज्यादा नहीं है,
30,000 के अराउंड है ना? नहीं, हाँ तो इतना डिफरेंस नहीं है, लैक्स में जब वर्क करें तो 30,000 का डिफरेंस उतना ज्यादा नहीं है। अब थोड़ा प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो और जाके ऑब्जेक्टिव्स दोनों का रीड करो। प्रोजेक्ट ए का ऑब्जेक्टिव क्या है, क्या है हिंदी में बताओ? कैसे? स्टाफ को हटाना, विच इज ऑब्जेक्टिवली नॉट करेक्ट, ठीक है, एथिकली नॉट करेक्ट। वो चाह रहे हैं कि स्टाफ रिडंडेंसीज को कम करना चाह रहे हैं। सो मे बी द फाइनेंस डायरेक्टर इज नॉट एमिंग टुवर्ड्स, मतलब क्या बोलते हैं उसको यार, स्टाफ को, टर्मिनेटिंग द स्टाफ, एंड सो दैट इज आई नॉट गोइंग विद द प्रोजेक्ट ए बिकॉज इट मे नॉट बी एथिकल फ्रॉम द कंपनीज ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू। नेक्स्ट, और उसके बाद और एक जो बेसिक बोल सकते हैं इसमें जो समझ आ रहे हैं कि हो सकता है प्रोजेक्ट बी में ज्यादा कॉन्फिडेंस हो फाइनेंस डायरेक्टर को। ये सब पॉइंट्स को बोलना पड़ेगा, 6 मार्क्स से तो कुछ तो बोलोगे ना। हो सकता है प्रोजेक्ट बी में उसको ज्यादा कॉन्फिडेंस हो, प्रोजेक्ट ए में वो डाउटफुल हो अबाउट द कॉस्ट, कितना हाई कॉस्ट है। तो हो सकता है स्टाफ निकाल के, ये इतना अच्छा हम लोग का जो सेटअप है वो नहीं बने जो एक्चुअल में ह्यूमन पावर को, ह्यूमन रिसोर्सेस को हटा पाए, रिप्लेस कर पाए। सो ही इज नॉट वेरी कॉन्फिडेंट विद द प्रोजेक्ट ए, ये भी आप बोल सकते हो। ठीक है, और कोई पॉइंट? पर तो तुम फिर तुमको बेनिफिट्स बताने ना, जस्ट बाय लुकिंग एट एनपीवी इज नॉट द सोल्यूशन। आईआरआर देखो, पीपी देखो, डीपीपी देखो, ये सब भी देखना पड़ेगा। करेक्ट, प्रोजेक्ट भी एक पॉजिटिव प्रोजेक्ट है जहां हम लोग अपने कंपनी में ही इन्वेस्ट कर रहे हैं एंड अपना इन हाउस कुछ बना रहे हैं रादर देन टर्मिनेटिंग द एम्प्लॉइज। ठीक है, लेट्स डू इट टिल हियर। दो पेपर कर लिया आज, कल और दो पेपर एंड वी आर फिनिश्ड विद द ऑल पास्ट पेपर्स। बाय बाय, सी यू, डिपेंड्स ऑन माई मूड।